अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। वो क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज जो जिस लोकेशन पे मैं आया हूं, अभी सबसे पहले राधे भैया को मैं कहूंगा, कैमरे पे मेरे राधे भैया, एक बार लोकेशन दिखाओ। वो चीज क्या है यार? ये क्या है? चलो अंदर चल के रिवील करते हैं। अंदर चल के सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं कि मैं आज जयपुर विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के अंदर आया हुआ हूँ। 5 सालों से ये इंडस्ट्रीज, ये जो फैक्ट्री है, बिल्कुल बंद पड़ी है। और ये क्यों बंद पड़ी है, इसका बहुत बड़ा कारण है। जहाँ तक मैंने पता लगाया यहाँ पे आने के बारे में, कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी चल रही थी, मगर ऐसा हादसा हुआ यहाँ पे कि किसी मजदूर की मौत हो गई यहाँ पे। उसके बाद में कुछ महीनों तक ये फैक्ट्री चली, धीरे 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 यहाँ पे अजीब सी घटनाएं होने लग गई, जैसे कि बाहर गार्ड का रहना, गार्ड को आवाज़ आना, कई जो मजदूर नाइट शिफ्ट करते थे उनको मतलब अजीब सी हरकतें होना। तो उन्होंने शिकायत करी अपने मालिक से, तो फिर मालिक ने भी सोचा कि एक रात को मैं भी रुक के देखता हूँ यहाँ पे, तो रुका वो भी यहाँ पे। उसके साथ में इतनी खतरनाक घटना हुई इस रात को कि उसको यहाँ से निकलना पड़ा। उसी रात को अपनी गाड़ी उठाई और तुरंत यहाँ से निकल गया वो रात को। आप मानोगे नहीं, 10 दिन तक वो मालिक बिना किसी की सपोर्ट के यहाँ आया ही नहीं, बिल्कुल इतनी दहशत घुस गई थी उसके। अब आप सोच सकते हो कि ये फैक्ट्री चलाना उसके लिए संभव था या नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि ये संभव हो सकता है कि ये फैक्ट्री चलाया। इतनी खतरनाक गतिविधियाँ हुई इसके बाद में कि इस फैक्ट्री को बिल्कुल बंद करना पड़ा और आज ये फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी है। 5 सालों से ये फैक्ट्री बिल्कुल बंद है और आज आपका भाई जितेंद्र इस फैक्ट्री के अंदर विजिट करेगा। देखते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि कई साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि हॉन्टेड जो ब्लॉगिंग है मैं करूँ। कई कारण ऐसे हो गए कि उस समय मैं कर नहीं पाया। सपना ये देखा कि एक यूट्यूब मेरी फैमिली है, उसका एक मतलब एक जो अपन कहते हैं एक घर बनाते हैं, वैसा मेरा एक सपना था कि एक मैं घर बनाऊं। जब मैंने कोशिश करी वापस, तो उसके अंदर मेरे को आप लोगों का इतना प्यारा सहयोग मिला और आज की तारीख के अंदर इस सपने को साकार करने के अंदर 1000 से ऊपर ईंटें लग चुकी है मेरे। ये सब आपके कारण है दोस्तों, मेरे कारण नहीं है कुछ भी। मेरा सपना देखा, मैंने आपको बोला, उसको आपने पूरा करा बिल्कुल। दोस्तों, बस मैं ये चाहता हूँ ये जो मेरा मकान है ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जा, और ये सब कुछ आपके हाथ में। दोस्तों, मैं आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि इस सपने को जल्दी से जल्दी मेरा पूरा कर दो, और ये आपके हाथ में है सिर्फ। तो दोस्तों, जो भी जिसने भी मेरे को सब्सक्राइब करा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो ये मेरा वीडियो देखता है सब्सक्राइब नहीं कर रहा, प्लीज़ इस लाल वाले बटन को दबा के प्लीज़ इस जो मेरा सपना है इसको पूरा करने में मेरी मदद करें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करूँगा, चलते हैं लोकेशन पर।
जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, पूरी फैक्ट्री बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे अंदर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने देख रहे हो कि चारों तरफ से फैक्ट्री बंद है। क्या है वो? क्या वही मैं देख रहा हूँ, देखना क्या है, दिखाना एक बार, पिक्चर करो, क्या शेडो, क्या है ये समझ में नहीं है। चलो ध्यान से, थोड़ा लाइट बढ़ा लेता हूँ मैं। हाँ थोड़ा थोड़ा सा इसके लाइट चेंज करो पड़ेगी। ये इधर है शायद रास्ता, इधर ही नदी के अंदर से कवर करो एक बार। नदी में ठीक है, सही ला करो एक बार। जैसे अंदर जाने की बात बोले, पीछे कुछ एक्टिविटी हुई है ना? अंदर से कैप्चर करो एक बार पूरा। ओ भाई पूरा बंद करा है। Please like and subscribe to our channel. You want to know that? No. After the camera, banana, I say. इस रूम के अंदर सामने, हाँ सामने आ जाओ, रूम करना एक बार देखे कुछ। चलो एक बार चल के देख लेते हैं। इधर भी रूम बने हुए हैं। ऐसा लगा जैसे कुछ ऊपर से गिरा है। इधर आओ, भाई जैसे इस रूम में घुस रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है अंदर जाने में। बहुत खतरनाक यार, रुको एक मिनट, बाहर मत रुको आप, एक मिनट बाहर रुको, बाहर रहो आप, एक रहो बाहर, रहो एक बार, रुक जाओ बाहर, रहो पहले एक बार, रुको रुको
देखो रुपया लगते कुछ हो रहा है, जैसे अपन बाहर आए कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे अंदर जाने की सोचते हैं कितने। ध्यान से बिल्कुल बॉडी ठंडी हो गई मेरी, कुछ तो है, कुछ तो है यहाँ पे। एक बार देखो इधर, इधर देखो इधर। ऐसे लगा है इस तरफ कोई इधर लटक रहा था शायद अभी ऊपर। ये दिख रही है ना आपको? जस्ट यही पे आप अपना पूरा फोकस करके रखो। इसी जगह दिखी थी यार जितनी इस पाइप पे ऊपर। सुनो मेरी बात, जैसे ही अंदर कदम रख रहा हूँ ना बहुत खतरनाक एक्टिविटी हो रही है, एक बार हो अंदर। जय श्री राम। पूरा कैप्चर लो। फटाफट से यहाँ से कवर करते हैं अपन, काफी पुराना है। देखो जाले कंडीशन देखो, बाथरूम में ही शायद है ना। मुझे कोई बाथरूम बना हुआ है देखो कंडीशन। इस साइड में दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो इतनी खतरनाक 5 साल हो गए इस फैक्ट्री को बंद हुए हैं, मतलब भयंकर एक्टिविटी हुई है यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पे अंदर देख रखा मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं उत्साहित में गया था जब अंदर से कुछ निकला था, मैं देखने की पूरी कोशिश करूँगा और दिखाने की भी पूरी कोशिश करूँगा आपको। देखो आप इस तरफ तो ब्लॉक है सारे रास्ते। बहुत भयंकर दोस्तों, इतनी भयंकर गंदी आवाज आ रही है, अजीब सी।
नेगेटिव एनर्जी तो है यहाँ पे 100%, कुछ भी कहो। एक्टिविटी जरूर हुई है दोस्तों, मगर ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बिल्कुल एहसास जरूर हुआ था ये मैं श्योर कह सकता हूँ आपसे, अभी तक दिखा कुछ भी नहीं है। तो क्या है फिर? एक बार इधर दिखा ना, वो क्या ना तो भैया, ये क्या? एक मिनट आगे में जाओ, आगे में जाओ तो भैया, आगे ये क्या चल रहा है? कैप्चर हो रहा है कैमरे में बिल्कुल दोस्तों, ये क्या कैमरे में आप देख सकते हो कि बिल्कुल बिल्कुल अभी भी दिख रही है, अभी भी दिख रही है वो चीज, पता नहीं क्या चीज थी, अजीब सी चीज थी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको दिखा तो मेरे को, बीच वाले में बीच वाले में। हेलो राधे भैया, दिखा आपको, जूम करके दिखाओ पूरा। वो क्या है? इधर आओ, इधर आओ,